2, 3 किलोमीटर, लेकिन जब ठीक बीचों बीच आप पहुंचेंगे तो नारो गांव पड़ता है, यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। वहीं आप खड़े हैं पिछड़ा परगना परंपरागत पाढ़ा सरकार, पाढ़ा व्यवस्था क्या है ये जानने का हमको मौका मिलेगा। यहां पर धर्मपूर्ण संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहां पर 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपया तक प्लान रखा गया है। 85 खोहा का यहाँ पर अपना नाच गान प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्राइज है 1,00,000 रुपया। यहाँ पर नाच गान शुरू हो चुका है और रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र हर खोहा दल से 15 किलो चावल। देखते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या प्रोसेस है और किस खोहा दल को पहला इनाम मिलता है यानी 1,00,000 रुपया। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। हम अंदर आ गए हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। बताएंगे कि सुबह से लगातार रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी तक लगभग 35 आसपास हुआ होगा। ये 88 बता रहे हैं, सीरियल नंबर है जो एंट्री हुआ है ना, वो एंट्री हुआ है, वो है 37। अच्छा, कुछ पैसा वैसा भी लग रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए? नहीं सर, तो क्या है? बस ये हम लोग यहाँ जो टीम आ रहा है उनका एंट्री कर रहा है, बाकी बात वहाँ हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वहाँ से वो जैसे नृत्य जो करने वाले हैं वहाँ उनको बुलाया जा रहा है। तो क्या कुछ ले रहे हैं हर खोड़ा दल से? नहीं सर, कुछ नहीं ले जा रहा, बस एंट्री हो रहा है। चावल? हाँ चावल है, वो जो पहले बोला गया था कि जितना भी टीम आएगा अपना राशन लेकर। देख रहे हैं कि मात्र 15 किलो चावल जो गांव घर में उगाया जाता है वो यहां पर लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम खोड़ा दल यहां पर पहुंच चुके हैं और सामने एक मंच बना हुआ है, वहां पर कई गणमान्य आदिवासी समुदाय के लोग हैं और साथ ही साथ यहां पर एक मड़वा बनाया गया है, वहां पर नाच गान प्रस्तुत किया जा रहा है खोड़ा दल के द्वारा। यहां पर कई माताएं और बहनें आई हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या न, न, क्या कुछ तैयारी है आप लोगों का? कर्मा का हाँ, पुरुष संध्या। अच्छा, यहाँ पर 1,00,000 रुपया इनाम है। अच्छा, नाच गा लीजिएगा ना? हाँ, नाचने आए हैं तो नहीं नाचेंगे। कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो आप ही को मिलना चाहिए। देखो आप इसके मिलेगा। बहुत लोग हैं यहाँ पर, लगभग 85 लोग हैं खोड़ा दल। मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, देख सकते हैं। छोटी सी बच्ची भी आई हुई, प्यारी सी। बताओ मैया, यहाँ पर नाचने गाने आई हो? आए हैं, बोलो। देखिएगा, देख लीजिए, बोलने में शर्माती है लेकिन जब यहाँ पर स्टेज पर रहेगी अपना नाच गान प्रस्तुत करेगी तो वो देखने लायक होगा। थोड़ी सी बड़ी बच्ची है। बताओ बेटा, यहाँ पर किस लिए आई हो? नाचने के लिए। नाचने के लिए इनाम भी है, पता है ना? इनाम जीत लोगी ना? चलिए, इनाम सबको मिलेगा। यहाँ पर जितने भी खोड़ा दल आए हैं इनाम सबको मिलेगा, वो तैयारी है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे पहले नंबर पर आएगा उसको 1,00,000 रुपए का इनाम है। 1,00,000 रुपया कौन जीतेगा और क्या तैयारी है हम जानेंगे। इधर कुछ माताएं बहने हैं, बताएंगे आप लोगों का क्या तैयारी है। इधर देखिए, इधर कैमरा उधर है। तैयारी है, हाँ, 1,00,000 लेने का है। 1,00,000 लेंगे? हाँ। कैसे? नाच के। देख रहे हैं इतना भरोसा है सबको, नाच के 1,00,000 रुपया लेंगे भाई। चलिए देखते हैं अंदर क्या कुछ है तैयारी, क्या नाच गान हो रहा है वो भी दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं किस तरह से, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी लोगों का जो जोश है वो देखने लायक है। लोग छाता लेके और जो महिलाएं हैं माताएं हैं वो घूंघट लेके यहाँ पर हैं और नाच गान देखने के लिए तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के लिए, मेडिकल के लिए तमाम व्यवस्था किया गया है। पीने का पानी का व्यवस्था है, खाने के लिए खिचड़ी भी बन रहा है। तो कर्मा के पूर्व
जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है काफी भव्य हो रहा है और ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता नेता जगर उरांव जी के द्वारा। और जगर उरांव जी से भी हम बात करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मांडर क्षेत्र में उनका किस तरह से वर्चस्व है, किस तरह से लोग जानते हैं, क्या कहते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, बताएंगे ये जो कार्यक्रम है क्या सोच किया है। 1,00,000 रुपया तक का इनाम है जी सर। जी हम 1,00,000 जीत के जाएंगे ऐसा तो हम लोग का मन में है। अच्छा, जो आयोजक हैं जगरे उरांव जी, उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में तो कुछ सुने हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हाँ। वो कोई एक समाज सेवी भी हैं। हाँ। तो आदिवासी को एकता करने के लिए कुछ उपाय लगाए हैं इन्होंने। अच्छा, आप बताएंगे क्या चीज़, कहाँ से आए हैं? हम लोग लापुंग बरकर से आए हैं, देगा से। अच्छा, तो कैसा तैयारी है आप लोगों का? तैयारी तो अच्छा ही था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही किए। अच्छा, आप लोग का परफॉर्मेंस हो गया है? हाँ। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों का परफॉर्मेंस हो गया है और कुछ लोगों का बाकी भी है। और देख सकते हैं कि इधर कुछ दीदी बहन लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आप लोगों का हो रहा है ना? आप लोगों का हो गया? चलिए, इधर कुछ दीदी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप लोग का जो गेटअप है काफी शानदार है, पीछे दिखाइएगा, ये देखिए कौन है, ये हम लोग का बच्चा है। अच्छा, मैं इसकी मासी हूँ। मैं इसकी बुआ हूँ। हाँ। ओके, तो अंदर आप लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है। हाँ, क्या दिखाना चाहते हैं? कर्मा का डांस। कर्मा का डांस। हाँ। गीत नाचना गाना बजाना सब कुछ तैयारी है, सब कुछ। कहाँ से आए आप लोग? लापुंग ससा। लापुंग ससा से हैं, देख रहे हैं जो जोश है और दीदी बहनों का जो जोश है वो वहाँ मंच में देखने को मिलेगा। और चलिए दिखाते हैं वहाँ क्या कुछ परफॉर्मेंस अभी चल रहा है और इसके बाद क्या कुछ एक के बाद एक देखने को मिलेगा, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। समाज सेवी बुद्धिजीवी सबों को जोहार, जय करम, जय पढ़ा। पहले से तो अलग हम लोग नहीं कर पाएंगे और ना कर सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि आज जो हम लोग का ये खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा की ओर से जो आयोजन हो रहा है, इसमें से देखने के बाद लग रहा है कि बच्चे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उत्साह, मतलब मन में उन लोगों को एक उत्साह जाग रहा है कि हमें भी अपना संस्कृति, अपना धरोहर, अपना भाषा में हमें भी ध्यान देना है और हमारा जिस तरह से पूर्वजों ने हमें बचा के दिया है उसको संरक्षित करने के लिए हम लोग को एकजुट होना है, ऐसा हमको दिखने को यहाँ मिला। मेरा मकसद ये है कि हमारा समाज जो आज हमारे समाज को जो धोखा दे करके नेता मंत्री लोग, आईएएस आईपीएस लोग जो समाज को छोड़ते हैं और समाज को पीछे भेज रहे हैं, इसको हमारा जगाने का एक पर्पस है। और आज हमारा समाज जग रहा है, भले ही हम लोग प्राइज के रूप में हम लोग पैसा रखे हैं, उसी के पैसा के चलते हो या पैसा जीतने का मकसद हो, ऐसा सोच के हमारा एक हर एक गांव-गांव में आज 15 दिन पहले से अखाड़ा में पूरा मांदर बज रहा है अपना संस्कृति को बचाने के लिए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग बहुत उत्साह हो है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग को
ठीक है, अच्छा लग रहा है हम लोग को कि हम लोग जो आज कुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा सरकार की ओर से जो हम लोग आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन मेरा अकेले का नहीं है। हम पाढ़ा संरक्षक हैं, लेकिन पाढ़ा संरक्षक हम लोगों के लिए बने हैं और ये सबों का, एक एक व्यक्ति का इसमें सहयोग है। पाढ़ा राजा का, ऑल टोटल पाढ़ा से जितने भी प्राजा हैं सभी का इसमें सहयोग है और हमारे साथ है। इसी से हमको लगता है कि हमारा समाज समृद्धि होने के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है। बहुत सारे जगह में आपका जो है डीजे का इस्तेमाल कर और वो एक मॉडर्नाइजेशन किए हैं, तो हमें इससे सहमत नहीं है। इसलिए आयोजन किया गया है वृहद स्तर में, ताकि जो हमारी पुरानी जो रिगत जो हमारी जो कल्चर है उसको पुनः हम कायम कर सके। इसीलिए भी ये आपका इतने टीम आई है अलग अलग क्षेत्रों से, छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल है, ताकि हम सेकेंड लाइन थर्ड जनरेशन तक के लोगों को हम एक संदेश दे सके कि हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, वो आपके आज के मॉडल से काफी बेहतर है। क्योंकि जो भी आज दुनिया में संगीत या कल्चर या चल रहे, वो कहीं न कहीं हमारे रूढ़िगत पौराणिक व्यवस्था है, वहीं से लिया गया है। मैं पहले भी पूरे देश में आपका आदिवासियों के दलदल जमीन और उनके पारंपरिक कार्य स्वभाव को सशक्त करने के लिए मैंने इसे भील प्रदेश में काम किया, गोंड आदिवासियों के किया, संथाल को बहुत मुश्किल उड़ाव क्षेत्र में मैंने भी कर उड़ाव हूँ। मुझे एक लीडर चाहिए उड़ाव और मुझे कहीं ना कहीं पहली बार झगड़े उड़ाव के रूप में एक लीडर मिला है, जिसके माध्यम से हम तमाम उड़ाव विधायकों को जो अलग अलग आपका टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनकी भाषा संस्कृति थोड़ा सा डिटोरेट कर रहा है, उसको बचाने के लिए इसके नेतृत्व में हम लोग जो है देश में उड़ाव को आपका एकजुट करने के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए, उसकी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग जागरूक उड़ाव के माध्यम से काम करना चाहेंगे।